ओम शांति। सभी जो खड़े हैं वो बैठ जाए, सभी सेवाधारी भी, एवरीबडी सिट, एवरीबडी, सभी। एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठकर अपने जीवन को देखते हैं एंड जस्ट विजुअलाइज, सामने लेकर आए अपना दृश्य कि सेलिब्रेटिंग लाइफ, अपनी लाइफ, सेलिब्रेटिंग लाइफ मतलब मेरी जीवन कैसी होगी। क्लोज योर आइज एंड सी द सीन, अपने जीवन, एट होम, एट वर्क, सेलिब्रेशन, ये जीवन के साथ कैसे कनेक्ट होता है। त्योहार तो सेलिब्रेट करते हैं, जीवन ही सेलिब्रेट करे इसका क्या मीनिंग लगता है। आज के दिन को देख लेते हैं, आज का मेरा पूरा दिन एक सेलिब्रेशन, तो आज का दिन क्या होगा, कैसे होगा, बातें आएंगी। लेकिन मेरी लाइफ सेलिब्रेशन है तो सारा दिन कैसा बीतेगा। ओम शांति। क्या लगता है सेलिब्रेशन के साथ कौन से वर्ड्स जुड़ते हैं? व्हाट कम्स टू माइंड? सेलिब्रेटिंग लाइफ, तो व्हाट कम्स टू माइंड? हाउ वुड लाइफ बी? व्हाट कम्स टू माइंड? Happiness, peaceful, happiness or joy, acha, or hanji, doing what you wish to do, enthusiasm or peace of mind. तो happiness हो गया, peace हो गया, love तो चाहिए। अकेले अकेले तो कभी celebrate ही नहीं करते हैं। कभी अकेले कोई त्योहार celebrate किया? नहीं, celebration always means with lot of people। जिनको पूरे साल भी नहीं मिलते उनको त्योहार पे तो मिलते हैं। तो celebration तो तब होता है जब सब इकट्ठे होते हैं, तो टुगेदरनेस। एनीथिंग एल्स? हाँ, सहज, सहज मतलब सिंप्लिसिटी। आजकल तो त्योहार भी कितने, आपको नहीं लगता त्योहार थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं? किस किस को लगता है त्योहार थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं? और कई बार वो त्योहार भी स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। तो लुक एट द पैराडाइम नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि एक ऐसे युग में जीते हुए जहाँ सेलिब्रेशन का दिन भी
स्ट्रेस का दिन बन जाता है, क्या करे, क्या दे, किसको क्या दे, किससे क्या ले, कितने का दे, पिछली बार क्या दिया था, इस बार क्या देना है, उन्होंने ये किया था, मैंने कितना करना है, उनसे कम किया तो लोग क्या बोलेंगे मेरे, कितना टेंशन। जीवन के बाकी दिन भी इतना टेंशन नहीं होता जितना त्यौहार के टाइम होता है, होता है ना? हाँ होता है। सो नाउ वी हैव रीच्ड अ टाइम जहाँ सेलिब्रेशन का दिन भी एक्चुअली सेलिब्रेशन नहीं है, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक आम दिन सेलिब्रेशन हो जाए, पॉसिबल है? ये जो त्योहारों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया, किसने बनाया? अच्छा, वेरी गुड, हमने बनाया, वेरी गुड। सिंपल कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? लेन देन बंद कर देंगे। लेकिन हम करते नहीं, क्यों नहीं करते? सिर्फ एक रीजन है लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने का, वो रीजन क्या है? वेरी गुड। आज एक काम करते, आप सुनाओ मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी नाइस। सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ, हमें सब कुछ पता है, लेकिन कभी रुक कर अपने आप से पूछे, मुझे सब कुछ पता है कि क्या चीज़ मेरी लाइफ को सिंपल कर सकती है और क्या चीज़ मेरी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर सकती है, तो क्यों हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं? क्योंकि अगर सिंपल कर दिया तो कभी हमने सोचा है कि हमें इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, उसके पीछे की मानसिकता क्या है? Why does it make a difference to me कि लोग क्या कहेंगे? What is the reason? तो अगर reason समझ में आया तो फिर ये लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। What is the reason that मुझे फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे? You want to be good for yourself or you want to be good for people? Being good for yourself and being good for people can be completely different. एक है मुझे सही होना है, एक है मुझे सही करना है, एक है मुझे अच्छा फील करना है, और एक है लोग कहें कि मैं अच्छी हूँ। दोनों बातों बिल्कुल फर्क है फर्क या नहीं है फर्क? या स्पेशली जब हम एक ऐसे समय में चल रहे हैं जहाँ बहुत सारी गलत चीज़ों को सही कहा गया, तो इसका मतलब अगर हम सही करेंगे तो हो सकता है हमें लोगों का अप्रूवल नहीं मिलने वाला। अब दोनों में से एक ही चॉइस है, या तो सही करें और लोगों का अप्रूवल खो दें, या जो लोग कर रहे हैं वो करें और लोगों का अप्रूवल मिले लेकिन खुद की जीवन कॉम्प्लिकेटेड होते जाए, और इतने लोगों को खुश करने के बाद भी सुबह सुबह यहाँ इकट्ठे हुए ये डिस्कस करने के लिए कि जीवन में खुश कैसे रहना है। There has to be a reason. इतना हमने लोगों के लिए किया, इतना लोगों का अप्रूवल लिया, जैसा लोगों ने कहा खाओ हमने खाया, जो लोगों ने कहा पियो हमने पिया, जो लोगों ने कहा पहनो हमने पहना, जो लोगों ने कहा लेन देन करो हमने किया, सब कुछ करने के बाद भी हम सुबह सुबह 6 बजे क्यों आए फिर यहाँ पर? Because we didn't achieve what we had to achieve. और ही हम उसका opposite होते गए, क्योंकि जब जब मैंने वो किया जो सही नहीं था, तब तक मेरी शक्ति क्या होती गई? अब जिन लोगों से मुझे approval मिल रहा था उनकी शक्ति भी क्या होती गई? तो इकट्ठे मिलकर तो वैसे ही कम हो गए, लेकिन जब इकट्ठे मिलकर कम हुई, हमने कहा यही जीवन जीने का तरीका नॉर्मल है,
और अगर हमने इससे कुछ अलग किया तो फिर हम आज के समाज में फिट होने वाले नहीं। राइट है बात, राइट है बात। अगर हम आज की दुनिया में बहुत अच्छे से फिट हो रहे हैं तो मतलब मैंने आंसर नहीं देना आपने तेरे। अगर हम आज की दुनिया में बहुत अच्छे से फिट हो रहे हैं तो फिर सपोज एक ऑफिस है, उसमें एक डिपार्टमेंट है, उसमें 10 लोग हैं, वो 10 में से 8 लोग काम करने के तरीके में कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है, इट कुड बी अनएथिकल, इट कुड बी करप्ट, इट कुड बी व्हाटएवर। 2 लोग और हैं, उन्होंने वो तरीका अपनाया नहीं है। अब उनके पास 2 चॉइस है, या तो उनका तरीका अपना लो और उनके साथ अच्छे से सेट होकर काम करो, दूसरा तरीका इनकी और इनकी काम करने का तरीका मैच होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो हमने कहा ये लोग क्या कहेंगे, तो मुझे वो 8 लोगों का अप्रूवल मिलने वाला नहीं है। चूज, लोगों का अप्रूवल चाहिए या सही जीवन जीना चाहिए? लोगों का अप्रूवल चाहिए या सही जीवन जीना चाहिए? जब हम इतने इतने थे ना, 2-2 साल के, 3-3 साल के, तो हमारे घर जब भी मेहमान आते थे तो हमारे मम्मी पापा कहते थे पोइट्री सुनाओ उनको, गाना सुनाओ उनको, अपनी पेंटिंग दिखाओ उनको। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, इट स्टार्टेड एब्सोल्यूटली फ्रॉम देयर। तो वो छोटा सा बच्चा सबके सामने आता था, परफॉर्म करता था और सब लोग कहते थे वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है बहुत। उस दिन प्रोग्रामिंग क्या हुई, जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ तब मैं अच्छी हूँ। और लोगों ने ये नहीं कहा आपने पोइट्री बहुत अच्छी बोली, लोगों ने कहा बहुत अच्छे बच्चे हो। दोनों चीज़ों में बिल्कुल फ़र्क था, दोनों चीज़ों में बिल्कुल फ़र्क था। लेकिन हमने कहा मैंने ये किया, लोगों ने अप्रूव किया, मेरे मम्मी पापा खुश हो गए। जिसने नहीं किया वो सबके सामने नहीं कर पाया, उसके मम्मी पापा थोड़े से ऐसे हो गए। तो मुझे सबको खुश करने के लिए लोगों का अप्रूवल चाहिए। अब शरीर बड़ा हो गया, इक्वेशन अंदर वैसे की वैसे है जब 2 साल की एज में बनी थी कि इफ पीपल अप्रूव ऑफ मी देन आई एम अ गुड पर्सन, एंड इफ पीपल डोंट अप्रूव ऑफ मी देन देर इज समथिंग रॉन्ग। लोगों का अप्रूवल किस नजरिए से बनेगा? लोगों का अप्रूवल किस आधार से बनेगा? लोगों का अप्रूवल किस आधार से बनेगा? जो उनका नज़रिया होगा, जो उनका पर्सपेक्टिव होगा। क्या 10 लोगों का भी पर्सपेक्टिव सेम हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर लो, कोई भी मतलब कोई भी ऑप्शन यूज़ कर लो, आपको सबका अप्रूवल कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए जीवन बीत जाती है और फिर हम कहते हैं मैंने पूरी जीवन बिता दी, अभी तक सब लोग मेरे से खुश नहीं हैं, क्योंकि हमने बिना सही किए, बिना खुश रहे औरों को खुश करने की कोशिश की। तो कोई कभी खुश हुआ, कोई कभी खुश हुआ, कोई कभी संतुष्ट हुआ, कोई कभी हुआ, लेकिन सब संतुष्ट हो जाए मेरे से ये नहीं हुआ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं संतुष्ट हूँ। अगर मैंने कोई ऐसा कर्म किया
जो मेरे लिए सही है, मेरे परिवार के लिए सही है, लेकिन आसपास के लोग अप्रूव नहीं करते, तो क्या होगा? जस्ट लेट्स पॉज एंड चेक ना, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? हाँ जी, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे. आपको सीक्रेट पता है कि वो वैसे भी बातें कर रहे हैं. एक्चुअली वो वैसे भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिसका संस्कार आपके बारे में बातें करने का है, वो तो वैसे भी बातें कर रहे हैं. आपको क्या पता चलने वाला है कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है? वुड वी एवर नो? नहीं. तो एक रिस्क ये है कि लोग हमारे बारे में बातें करेंगे. और अच्छा, अगर लोग हमारे बारे में बातें भी करें, कोई नुकसान? कोई नुकसान? कोई नुकसान? कोई नुकसान नहीं. तो करने दो बातें, करने दो बातें. और क्या नुकसान है? अगर हमने लोगों के अनुसार जीवन नहीं जी तो क्या होगा? नो रिलेशन विद देम. पांच दोस्त रोज शाम को मिलकर ड्रिंक करते थे, बड़े सालों से कर रहे थे. रोज मिलते, करते, हंसते, खेलते, खाते, पीते. पांच में से एक ने एक दिन आकर कहा, आज से मैंने छोड़ दिया. 20 साल से इकट्ठे मिलकर कर रहे थे. उनकी दोस्ती इस वजह से थी कि वो रोज शाम को मिलते थे, इधर उधर की बातें करते थे, तामसिक भोजन खाते थे और नुकसान वाली चीज पीते थे. चार पांच में से एक ने एक दिन आकर कहा, आज से मैंने छोड़ दिया. अब क्या होने वाला है? सब लोग उनके बारे में बात करेंगे. अब ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, आप वो एक हैं, बाकी आपके वो चार सो कॉल्ड फ्रेंड्स. अगर वो हमारे फ्रेंड्स हैं और अगर हमने आज कहा मैंने ये चीज़ छोड़ दी, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? फ्रेंड्स लेबल, फ्रेंड्स क्या करेंगे? अगर आपने कोई अनहेल्दी चीज़ छोड़ी है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे. और क्या करेंगे? ब्लेसिंग देंगे कि जो आपने आज प्रतिज्ञा की है वो आप जीवन भर निभाएंगे. हम आपके साथ हैं. कल अगर आपका मन किया भी, हम आपको लेने नहीं देंगे. ये फ्रेंड्स. अगर इसके अलावा कोई और कुछ करता है, मजाक उड़ाता है, कहता है देखते हैं कब तक होने वाला है, आ तो और ये क्या जीवन है, उड़ाना ना, खाना ना, पीना ना, क्या ऐसी कोई जीवन है? अब तो तुम्हारे साथ बैठ के कोई मजा ही नहीं आता, तुम बड़े बोरिंग से हो गए हो. दो टाइप ऑफ लोग हैं. हमें ये चेक करना है कि किस पर फ्रेंड का लेबल लगाना है हमने. और अगर जो ऐसे बोल रहे हैं, उनसे अगर वो रिश्ता कायम नहीं भी रहा, तो वो हमारे लिए फायदे की चीज़ है, क्योंकि उनको हम रिश्ता कह ही नहीं सकते. उनको हम सिर्फ टाइम पास करने के साधन कह सकते हैं. दो बातों में बहुत फर्क है. वी हैव टू बी वेरी क्लियर. लेकिन अगर हमने उन पे फ्रेंड का लेबल लगाया और फिर फ्रेंड ने कहा कि मजा ही नहीं अगर तुम हमारे साथ ऐसे नहीं बैठो, तो हमने वो फ्रेंड का रिश्ता कायम करने के लिए वो चीज़ें करनी शुरू की जो हमारे लिए सही नहीं है, तो ना सच्चे दोस्त मिले, ना खुशी मिली, ना सेहत मिली, ना प्यारे रिश्ते मिले. और जो उनके जीवन का कॉन्सिक्वेंस होगा, वो हमारे जीवन का भी कॉन्सिक्वेंस है. राइट है बात? राइट है बात? राइट है? अगर इस इंसिडेंट में दिखता है कि कौन राइट है, तो जीवन के कोई भी एस्पेक्ट पे लगा लो उस बात को, कोई भी चीज़ पे लगा लो.
मुझे अपने आप के लिए चेक करना है कि मेरे लिए क्या सही है, कौन सी चीज़ से मेरी ताकत बढ़ती है, कौन सी चीज़ से मेरी ताकत घटती है। अगर घर के बड़े इस बीमारी का शिकार होंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो घर के बच्चों के लिए पीयर प्रेशर नॉर्मल है। और जिस घर में पेरेंट्स को ये बीमारी नहीं होगी, उनके बच्चे भी इस बीमारी से बच जाएंगे। लेकिन हमें अपने अंदर वो बीमारी दिखती नहीं और अपने बच्चों के अंदर दिखती है। तो मेरे बच्चे को देखो, उसके दोस्त के पास आईपैड है, इसको भी चाहिए, उसका दोस्त यूएस क्या हॉलिडे पे, इसको भी, उनके अंदर दिखती है, अपने अंदर नहीं दिखती कि दिवाली पे उन्होंने ऐसे दिए लगाए थे तो मुझे भी ऐसे दिए लगाने, उन्होंने चांदी के बर्तन में पूजा की थी तो मुझे भी चांदी के, ये नहीं दिखता। इस चीज ने हमारी जीवन को क्या कर दिया, क्या कर दिया, करना, पूजा करना, बहुत महंगी चीज़ें लेना, फाइन, अलाउ करती है कैपेसिटी, फाइन, इंटेंशन क्या है पीछे, इंटेंशन क्या है पीछे, इंटेंशन लोगों को दिखाकर लोगों का अप्रूवल लेना है, तो हम जीवन सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम पूरे जीवन में ऐसे खड़े, प्लीज़ मुझे अप्रूव करो, प्लीज़ मुझे अप्रूव करो, प्लीज़ मुझे अप्रूव करो। जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे, आई एम नॉट हैप्पी, राइट है। ऐसे खड़े होना मतलब ये आत्मा क्या होने वाली है, कुछ भी नहीं, और सिर्फ एक नई ड्रेस पहनकर पार्टी में चले जाओ। किसने चूज़ की थी, हमने चूज़ की थी, किसके लिए चूज की थी, अपने लिए चूज की थी। पसंद आ रही है पहने हुए, पसंद आ रही है पहने हुए, यस, अब घुसो अंदर पार्टी में। अभी तक पसंद आ रही थी, अब आगे चेक करेंगे क्या होता है, यस। अब सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई बोल ही नहीं रहा, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यस, yes, yeah, so you literally go and start giving vibrations, say something, how am I looking, this is how we stand. Kisi ne kuch nahi kaha to maine hi unko keh diya, aapki dress bahut achhi lag rahi hai, kam se kam dress ka topic to uthe, dress ka topic uthega to koi meri dress ko bhi to dekhega। तो फिर मैंने कहा आपकी बहुत अच्छी लग रही है, तो ऊपर से उन्होंने कहा आपकी भी बहुत, इज दिस राइट, ये ऐसे खड़े हैं, ठीक है। फिर दूसरे ने भी कहा हाँ हाँ बहुत अच्छे, भले पसंद आए नहीं आए अंदर से, लेकिन सब कहना शुरू करेंगे ना। जैसे ही सब ने ये कहना शुरू किया, मेरी हैप्पीनेस क्या होती गई, उतनी देर में मैं आ गई, मैं कहा क्या लिया, देखा था आपने खरीदने से पहले, इट्स नॉट लुकिंग नाइस ऑन यू एट ऑल। मिल जाते हैं ना ऐसे ऐसे लोग कभी कभी, जो सीधा सीधा बोल देते हैं ऐसे ही, अभी हैप्पीनेस कहाँ जाएगी, सी व्हाट इज हैपनिंग। खरीदी किसने, हमने, किसके लिए, अपने लिए, चॉइस किसकी थी, मेरी, पसंद किसको आया, मुझे, लेकिन खुशी किस पर डिपेंडेंट थी, जब दूसरे लोग अप्रूव करेंगे, और वहां तक भी ठीक था, लेकिन जब किसी को पसंद नहीं आई तो मेरी खुशी गई, ऐसे मैंने अपनी चॉइस पे डाउट करना शुरू कर दिया। तो मैंने इनको कहा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इन्होंने पहले अपनी ड्रेस को फिर से देखा, चलते चलते कोई शीशा दिख ही जाएगा, अच्छी तो लग ही रही थी, क्यों इनको पसंद नहीं आई। फिर ये थोड़ी देर के बाद उनके पास गए और उनको कहा मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, हाँ बहुत, देखो ना वो बहन ने कहा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, कहते उसको क्या बताओ, उसने कभी दुकान में जाके ड्रेस खरीदी, अपने ले जाओ, तुम उसके चॉइस पर डिपेंड। तो खुद की खुशी गई, दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। सामने वाले ने कहा उन्होंने सफ़ेद कलर के अलावा कभी कुछ पहना था, वैसे भी उनकी आदत ही ऐसी, तुम उनको छोड़ो ना,
ये सारी एनर्जी क्यों डिस्टर्ब हुई, ये सेलिब्रेशन हो रहा है, ये सेलिब्रेशन हो रहा है. इज इट नेसेसरी दैट आई शुड लाइक हर ड्रेस? इज इट नेसेसरी आई शुड लाइक योर ड्रेस? इज इट ओके इफ आई से दैट आई डिडंट लाइक इट? देयर इज नो नीड टू से. What's the harm if I say it? But why is it negative? One minute. Why is it negative if I did not like her dress? Is it negative? One minute. क्लैरिटी नहीं होगी ना जीवन में बहुत सारे झूठ बोलेंगे लोगों को. जब पसंद नहीं भी आ रही होगी तब भी ऊपर से बोलते जाएंगे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा. इफ आई से आई डिड नॉट लाइक हर ड्रेस, इज दैट ओके? अच्छा चलो एक मिनट. क्या ये पॉसिबल है कि जो उन्होंने खरीदा है वो सबको पसंद आएगा? नो नेवर. मतलब ये भी पता है लेकिन बोलना भी अलाउड नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है. मतलब क्या, सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस इज. शी हैज नॉट बॉट इट फॉर मी, शी हैज बॉट इट फॉर हर सेल्फ. सिर्फ एक ही को पसंद आने की जरूरत है जिसने पहनने हैं. अगर उस एक को पसंद है शी शुड बी हैप्पी. अगर वो सोच रही हैं पूरी दुनिया को मेरी चॉइस पसंद आ जाए, शी इज राइटिंग अ डेस्टिनी ऑफ पेन राइट नाउ. अब इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप हर एक का सच सुन के हर्ट होते जाओ, या आप दूसरे को ये मैसेज दे दो तुम मेरे सामने सच मत बोलना क्योंकि सच सुनने की मेरे पास ताकत नहीं है. तो हमने एक दूसरे से झूठ बोलना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया. तो हमने अंदर से कहा कैसी लग रही है, ऊपर से कहा बहुत अच्छे लग रहे हो. रिश्ते तो वैसे ही ख़त्म होने लग गए उस वजह से, क्योंकि अंदर से भेज रहे थे कुछ और, ऊपर से बोल रहे थे कुछ और. इफ आई से आई डोंट लाइक योर ड्रेस, शी शुड से इट्स ओके, योर चॉइस, माई चॉइस इज डिफरेंट. जीवन कितनी सिंपल है सिंपल नहीं है तो उसको सिंपल करते हैं ना. It is not possible that everyone will like the same thing. Right? कोई एक सब्जी है जो सबको पसंद आती है? नहीं. कोई एक रंग है जो सबको पसंद आता है? नहीं. कोई एक ड्रेस है जो सबको पसंद आ सकती है? नहीं. कोई एक संस्कार है जो सबके पास हो सकता है? नहीं. तो जब हमें सच पता है, हम उस सच को समझ कर जीवन जिएंगे, तो life is going to be very simple. वेरी सिंपल. अब अगर ये हो सकता है कि उनकी चॉइस ड्रेस की मुझे पसंद ना आए, तो ये भी हो सकता है उनके चॉइस जीवन जीने की मुझे पसंद ना आए. इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? सिर्फ इस हॉल में नहीं, बाहर जाने के बाद. इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes or no? तो फिर लोग क्या कहेंगे? जिन जिन को, जिन जिन की चॉइस आपके लिए मैटर करती है, उन सबको अपने साथ ड्रेस खरीदने लेकर जाओ. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, देर इज नो अदर वे. अगर आपको चाहिए कि 20 लोग कहें कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, फिर 20 लोगों को लेकर जाओ. लेकिन अगर अपनी चॉइस से खरीदा है, then remove this expectation that everybody is going to like my choice. It's simple. अब इसको ड्रेस पर कर लो, इसको जीवन के कोई भी जीने के तरीके, खाने पीने, त्योहार सेलिब्रेट करने, रिश्ते जोड़ने, करियर लेने, सब पे अप्लाई कर दो. और जब भी कोई डिसीशन लो तो एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए
कि क्या इससे मेरी शक्ति बढ़ती है, इससे मेरी सेहत ठीक रहती है, इससे मेरे रिश्ते अच्छे बनते हैं, तो ये मेरे लिए सही है। कार नंबर 0844 किसी ने किसी चेयरमैन की कार की जगह खड़ी कर दी है, तो वॉचमैन की जॉब का सवाल है, जिसकी भी वो कार है प्लीज वहाँ से हटा दे। 0844 सॉरी टू इंटरप्ट 0844 नंबर याद आ रहा है, कोई उठा नहीं लेके। जब गाड़ी पार्क की होगी तो सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचा होगा, एक तरफ से हम चाहते हैं कि सबका अप्रूवल मिले और दूसरी तरफ से जब कोई कर्म करते हैं तो ये नहीं चेक करते कि दूसरों को इससे तकलीफ तो नहीं हो रही। सो वी आर क्वाइट कंफ्यूज्ड इनसाइड। मेरा कर्म जो मेरे लिए सही है, लेकिन मेरा कर्म वो नहीं जो दूसरे को दुख देगा या तकलीफ देगा। मुझे लोगों का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन मेरा कर्म दूसरे को तकलीफ देगा तो वो कभी सही नहीं हो सकता। दोनों चीज़ों में बिल्कुल फर्क है, फर्क है। तो हमेशा सेलिब्रेशन अगर चाहिए जीवन में, तो मेरे अंदर की हर थॉट जो चलने वाली है वो सही हो, और मैं दूसरों के प्रति जो कर्म करूं वो उनके मन को भी शांत रखे। अब अगर हमने कोई गाड़ी अपनी ऐसी जगह पार्क कर दी जहां दूसरे को मुश्किल होने वाली है, चाहे वो मुश्किल 2-3 मिनट की हो, लेकिन उस 2-3 मिनट ने उन्होंने हमें क्या भेज देना है? ये हमारी बैटरी को क्या करेगा? आप देखो, हम कहीं मार्केट में जाते हैं, हमें लगता है 2 मिनट बस गया और आया तो लगा देते हैं, गाड़ी के सामने गाड़ी लगा देते हैं ऐसे, 2 मिनट में गया आया, उस 2 मिनट में भी बहुत कुछ मिल सकता है अगर वो वापस आ गए। आजकल इरिटेट इतने जल्दी हम हो रहे हैं कि अगर आपने ऐसे किसी की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी जो बहुत फास्ट ऐसा वाला सोचते हैं, तो वो आपके लिए क्या क्या सोच सकते हैं 2 मिनट के अंदर। तो जीवन जीने का सिंपल रूल, हर कर्म ऐसा हो जो दूसरे को सुख मिले, लेकिन कोई कर्म ऐसा नहीं जो सिर्फ दूसरे के अप्रूवल के लिए हो। दो बातों में बहुत ज़्यादा फर्क है, फर्क है। कौन से कर्म हम ऐसे करते हैं जिसके लिए सिर्फ अप्रूवल के लिए कर रहे होते हैं? कौन सी चीज़ें ऐसी करते हैं सिर्फ अप्रूवल के लिए? बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेते हैं ताकि लोगों का अप्रूवल मिले। और हाँ जी, एवरीथिंग इज कमिंग इन दैट कैटेगरी। वी आर बीइंग फॉल्स, व्हाट हैपेंस इज एक जना कुछ करता है, सिंपल एग्जांपल, ओके, आजकल कुछ भाई बहनों को आदत पड़ी है कि जीन फटी हुई पहनते हैं। अभी व्हेनेवर आई सी, आई से क्यों पसंद आ रही होगी फटी हुई जीन? कुछ तो इसके पीछे लॉजिक तो होना ही चाहिए ना, क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? और दुकानों को खास फटी हुई बेचनी पड़ रही है, एक कोई इधर से फाड़ रहा है, कोई इधर से फाड़ रहा है, कोई इधर से फाड़ रहा है, हर एक सोच रहा है मैं कौन से अलग तरीके से फाड़ूँ ताकि वो कुछ डिफरेंट बन जाए। Just let's think about it. ये कैसे स्टार्ट हुआ होगा? Then we have to see what we land up doing without checking whether it is right for us or no. किसी दुकान ने तो पहली बात फाड़ के बेची नहीं होगी, वो तो अपनी नॉर्मली बेचते होंगे जो बेचते आए थे इतने सालों से। चलते चलते ना किसी की कहीं कहीं टक्की हो गई और फट गई होगी,
हुआ होगा ऐसे या नहीं. वी हैव टू थिंक हाउ दिस मस्ट हैव स्टार्टेड. अब वो अभी यहाँ प्रोग्राम में वो आ रहे थे ऊपर, रास्ते में कीला लगा था, फट गए. वो अंदर आए, हमने कहा अच्छा आजकल ये इस तरह से पहनते लोग. हमने घर जाके अपने अच्छे से काट दी. चार दिन के बाद मुंबई शहर का फैशन बन गया. अगले महीने पूरे देश ने कॉपी कर लिया. अब दुकानें ही फाड़ फाड़ के बेच रही हैं. इट बिकेम द वे ऑफ लिविंग. इतना इट बिकेम द वे ऑफ लिविंग कि जिनकी फटी हुई नहीं है, तुम कितने बोरिंग हो यार, कौन से जमाने के जीन पहनते हो. हुआ ऐसे या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? किसने क्रिएट किया? किसने क्रिएट किया? कोई पॉज करके नहीं चेक कर रहा है कि फटे हुए क्यों, मतलब व्हाट. लेकिन एक ही लाइन बोलते हैं, सब लोग वैध है ना. और अगर मेरी नहीं होगी तो आई एम वेरी आउट ऑफ ये फैशन, ये लाइफस्टाइल, ये राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन. ये किसने क्रिएट की है? लेकिन इट्स ओके, वी आर नॉट सेइंग कि फटी हुई नहीं पहननी, भले पहनो पसंद आती है तो. लेकिन मुझे चेक करना है कि मैं क्यों पहन रही हूँ. इट इज़ नॉट अबाउट वो क्यों पहन रहे हैं. जिसको जो पहनना है वो पहने. वाई एम आई वेयरिंग इट? आई एम वेयरिंग इट ओनली बिकॉज अदर पीपल आर वेयरिंग इट. एंड इफ आई डोंट वेयर इट देन माई फ्रेंड्स विल मेक फन ऑफ मी. दैट्स वाई आई एम वेयरिंग इट. यहाँ आत्मा की शक्ति घटेगी. नाउ इट्स नो मोर अबाउट द जीन्स एक्चुअली. इट्स अबाउट द इंटेंशन विद विच आई हैव बॉट दैट एंड आई एम वेयरिंग इट. तो दूसरों का अप्रूवल लेने के लिए जब इंटेंशन ऐसी होगी तो हम बहुत सारे कर्म ऐसे कर रहे हैं जिससे आत्मा की शक्ति घटती जाती है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी मन की स्थिति अब हमारे हाथ में न रहकर किस पर चली गई? दूसरों के हाथ में चली गई. नहीं तो कोई और कहे कि मेरी ड्रेस अच्छी है, इसकी हमारे को जरूरत नहीं है. इसकी हमारे को जरूरत नहीं है. लेकिन करते 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 मेरी मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट हो गई? दूसरों पर. आज से हम कपड़े कौन से पहनेंगे? और अगर आपको कोई कहे दिस इज सो बोरिंग, बोलो इट्स ओके, दैट्स माई स्टाइल. That's all. It's my style. I am happy this way. And I'm not criticizing you. You wear what you want to wear. I will wear what is right for me. कोई और देश में कोई एक तरह से जीवन जीता है, कोई उधर हॉलीडे सेलिब्रेट करने जाता है, वहाँ से उनका जीवन जीने का तरीका कॉपी करता है, अपने देश में आता है, दूसरे तरह से करने लग जाता है, पांच लोग कॉपी करते हैं, थोड़े दिन के अंदर हमारे देश में भी सब वैसा करना शुरू करते हैं विदाउट पॉजिंग टू चेक वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा? हो रहा है ऐसा? यस. हमारे पास अपने कल्चर में वो सारी चीज़ें हैं जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाती हैं, शरीर की हेल्थ को बढ़ाती हैं. और अब दूसरे देश के लोग हमारे पास आके वो कॉपी करके जा रहे हैं, लेकिन हम अभी तक उनको ही कॉपी कर रहे हैं. उन्होंने वो यू टर्न ले लिया अपने जीवन के अंदर, उन्होंने ले लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस रास्ते वो जा रहे थे वो उनके लिए सही नहीं प्रूव हुआ. तो क्या हुआ? जस्ट विजुअलाइज अ रोड कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कोई हमारे से आगे जा रहा था, हम उसको कॉपी करते हुए उसके पीछे जा रहे हैं. उन्होंने तो यू टर्न ले लिया, हम अभी भी सीधा ही जा रहे हैं. तो अगर उनको ही कॉपी करना है तो फिर कम से कम यू टर्न भी तो उनके पीछे पीछे ले लो ना. क्यों आगे जाके और लेट आगे और जाएंगे, फिर अगला यू टर्न कब मिलेगा?
So we have to pause. Now this is not in terms of only what we wear, what we eat, what we drink, but more important how we think, how we speak, how we behave. Lekin jab bahar ki cheezon par bhi nahi kar pate, to sukshma cheezon par karna aur mushkil ho jata hai. अब लोगों की डेफिनेशन क्या है जीवन जीने के तरीके की. लोगों की डेफिनेशन है गुस्सा करना तो नॉर्मल है, कंपटीशन तो नॉर्मल है. अब ये डेफिनेशन समाज ने बनाई, हमने कहा ये नॉर्मल है, हमने कॉपी करना शुरू कर दिया. आज किसी को कहो आपने ये चीज़ बहुत टेस्टी बनाई, हाँ इसकी रेसिपी क्या है, कुछ नहीं है ऐसे करो, नहीं बताएंगे. कहाँ रखेंगे? अपने तक रखें. क्यों क्यों रखेंगे अपने तक? क्योंकि जब मैं ये बनाती हूँ तो सब कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा. अगर मैंने इनको बता दी अपनी रेसिपी और सपोज उनकी मेरे से भी अच्छी बन गई, तो मुझे जो डोज मिल रहा था अच्छा अच्छा अच्छा, वो डोज कहाँ चला जाएगा? वो वहाँ चला जाएगा. सो आई विल नॉट शेयर. सबसे डीपेस्ट अडिक्शन पीपल्स अप्रिसिएशन एंड अप्रूवल. जिसने ये डी अडिक्शन कर ली उसका जीवन उत्सव है. जिसने ये डी अडिक्शन कर ली वो हमेशा हैप्पी रहेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है, इसका मतलब ये है जो वो अपने लिए सही है वो कर रहा है, एंड उसके मन की स्थिति दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंडेंट नहीं है. और अगर कोई अप्रूव नहीं करता तो भी वो खुश है, तो भी वो खुश है. बहन ने कितने प्यार से कहा फेस्टिवल को सिंबल करना है तो लेन देन ही बंद कर दो. कर सकते हैं लेन देन बंद? लेन देन क्यों शुरू हुआ होगा कि आई वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट माई लव फॉर यू, माई अप्रिसिएशन फॉर यू, माई ब्लेसिंग्स फॉर यू. तो पहले कुछ एक रुपए का कॉइन मिलता था, फिर 100 का नोट सगन में देते थे. अब तो स्ट्रेस हो जाता है क्या खरीदना है उसके लिए. तो वाइब्रेशन स्ट्रेस की है, गिफ्ट एक्सपेंसिव है. वाइब्रेशन कौन सी होनी थी? फेस्टिवल मतलब हम एक दूसरे को क्या देना चाहते थे? प्यार देना चाहते थे. और फिर सिर्फ देने के टाइम स्ट्रेस की नहीं है, अगर उनकी तरफ से कम आया तो भी, क्योंकि हमने सोचा जितने की गिफ्ट उतने की मेरी वैल्यू है उनकी लाइफ के अंदर. यस और नो? यस यस. मेरे को सिर्फ 500 का ही थे, सिर्फ मैंने उनके लिए इतना किया, मैंने उनको इतना दिया, उन्होंने इतना. तो गिफ्ट की वैल्यू को अपनी वैल्यू समझ लिया और फिर पकड़ के रखा. तो फिर अगले साल मैं भी 500 का ही दूंगी, फिर क्या करना ज़्यादा महंगा देख के फिर उनको. तो ये ब्लेसिंग्स एक्सचेंज हो रही है, ये ब्लेसिंग्स एक्सचेंज हो रही है, ये लव एक्सचेंज हो रहा है, ये हर्ट एक्सचेंज हो रहा है, ये हर्ट एक्सचेंज हो रहा है. रैपिंग पेपर तो बहुत सुंदर बन गए हैं आजकल. गिफ्ट पता नहीं अंदर क्या, लेकिन बाहर वाला तो बहुत ही सुंदर होता है सारा कुछ. सी हाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मेकिंग द आउटसाइड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ब्यूटिफुल. कई बार आउटसाइड वाला इतना सुंदर होता है मुझे लगता है यही गिफ्ट है, क्योंकि इसको खोलने का भी मन नहीं करता. ये इतना ब्यूटीफुल है, इसको क्या खोल के हम फेंक देंगे ऐसे ही? वो इतना सुंदर होता है. क्यों हमें इतना 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 सुंदर बनाना पड़ रहा है? क्योंकि हम सारी सुंदरता का फोकस किस पर कर रहे हैं? आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड. ये भी हो सकता है कि आप किसी को कुछ भी मत दो, कुछ भी मत दो, लेकिन उसको अंदर से परमात्मा को याद करके उसको इतनी 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 दुआएं दो. हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है. लेकिन लोग क्या कहेंगे, इन्होंने कुछ नहीं दिया. हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं देंगे, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं देंगे. हमें जो सही लगता है हम वो देंगे.
तो इस बार न्यू ईयर पर सबको बोलना आई गिव एंड टेक ओनली लव एंड ब्लेसिंग्स. अपनी लाइफस्टाइल खुद बनानी है, अपनी लाइफस्टाइल खुद बनानी है. कॉपी करने का ज़माना चल रहा है, आप बना लो, बाकी बहुत सारे लोग आपको कॉपी कर लेंगे. कर लेंगे ना, आप करो. दो चार दिन आपके पीठ पीछे बोलेंगे क्या बात है, इनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा क्या, गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया, इस प्रॉब्लम, ऐसा भी बोलेंगे. लेकिन थोड़े दिन के बाद कहेंगे इनकी लाइफ अच्छी है और कितना सिंपल लाइफ को रखा हुआ है, हमने बिना बात के अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है. और धीरे धीरे जब उनकी विल पावर बढ़ जाएगी, अगले साल तक वो कहेंगे इस साल मैंने भी इनके जैसे ही करना है, सिर्फ लव एंड ब्लेसिंग. फिनिश्ड, यू हैव क्रिएटेड द चेंज. ईदर कॉपी एवरीबडी और देन क्रिएट समथिंग विच एवरीबडी एल्स स्टार्ट्स कॉपिंग यू. कलयुग में कॉपी करना बहुत रिस्की है, कलयुग में कॉपी करना बहुत रिस्की है, क्योंकि आप कलयुग को कॉपी कर रहे हैं फिर. और कलयुग मतलब है ही कल कलेश का युग, तो कले कलेश को कॉपी करेंगे तो कलयुग में रहते हुए सत्युगी जीवन जीने का तरीका बनाते हैं. और सत्युग मतलब सब कुछ एनर्जी लेवल पर काम करेगा, फिजिकल चीज की जरूरत नहीं है. आई डोंट हैव टू गिव एन एक्सपेंसिव गिफ्ट टू प्रूव एनीथिंग टू यू. जो ज्यादा महंगा दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो ज्यादा रिस्पेक्ट करता है जरूरी है ऐसा? कोई आपको सिर्फ एक गुलाब का फूल दे लेकिन उसके अंदर इतना प्यार इतना सम्मान भरा होता है कि आप उस एक गुलाब के फूल को भी संभाल के रखते हैं इतने दिन, होता है ऐसा? नहीं होता, क्योंकि यू कैन फील द वाइब्रेशन. और कोई हो सकता है बहुत बड़ी चीज दे लेकिन अंदर से वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं सोच रहे, हो सकता है ऐसा? तो लोगों की वाइब्रेशंस को फील करना शुरू करें, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. हम अपने आप को भी जाने और दूसरे को भी जाने. दूसरे को बाह्य चीजों के आधार से समझेंगे तो धोखा होगा. अभी जब कोई हमें दिखता है मिलता है, सपोज आई मीट हर नाउ, ओके, जस्ट चेक व्हेन यू मीट ईच अदर किस लेवल पर कनेक्ट होते हैं हम एक दूसरे के साथ. सबसे पहला लेवल, फर्स्ट लेवल ऑफ कनेक्टिंग टू पीपल, ये कैसे दिखते हैं, इन्होंने क्या पहना है, यहाँ आपकी अटेंशन जाती है. दूसरा लेवल, ये कौन है, इन्होंने जीवन में क्या क्या अक्वायर किया है. सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इनकी एनर्जी कैसी फील होती है, अटेंशन कहाँ जाता है. रेज योर फ्रीक्वेंसी. कौन कैसा दिखता है, क्या पहना है, क्या उन्होंने जीवन में अक्वायर किया है, ये आत्मा की क्वालिटी नहीं बताएगा. ये उन्होंने जो अक्वायर किया है वो बताएगा हमें, जो उन्होंने खरीदा है वो बताएगा. हमारा रिश्ता किसके साथ है, जस्ट एक्सपेरिमेंट इट वन डे. जैसे ये हॉल है, हम सब इस हॉल में एंटर होते हैं, अलग अलग लोगों का ध्यान अलग अलग चीज पर जाएगा, राइट? किसी का ध्यान जाएगा लाइट बहुत अच्छे है, किसी का ध्यान जाएगा फ्लावर बहुत अच्छे हैं, किसी का ध्यान जाएगा कुर्सी बहुत अच्छी है, किसी का ध्यान जाएगा कारपेट तो साफ ही नहीं है. हॉल तो वही है, हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है. इसी तरह जब लोगों को मिलें हमारा ध्यान किस तरफ जा रहा है. अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाएं. तो जितना अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाते जाएंगे, खुद भी अच्छी वाइब्रेशन उनको रेडिएट करेंगे और उनको भी परखना बहुत इजी हो जाएगा. स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी ऑफ पीपल, नॉट लुकिंग एट पीपल. लुक करेंगे तो सिर्फ जो दुकान से वो खरीद के लाए वही दिखाई देगा, लेकिन फील करेंगे तो हम एक दूसरे की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे. लोगों की वाइब्रेशन फील होती है, लोगों की वाइब्रेशन फील होती है, होती है, यस.
अब हर एक से मिलें तो उसी पर फोकस करें, हर एक से मिलें तो उसी पर फोकस करें. जहां आप फोकस करेंगे आपकी खुद की वाइब्रेशन उस तरफ होती जाएगी. थोड़े दिन के बाद आपको फोकस करना नहीं पड़ेगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली से दिस पर्सन फील्स वेरी नाइस. कोई कहेगा नहीं इसने ये किया, बोलो नहीं उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, मुझे पता चल गया. ये होता है लोगों को वो जैसे हैं वैसे पहचानना, तो कभी धोखा नहीं खाएंगे क्योंकि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखा. लेकिन अगर हम ही फिजिकल चीज़ों में अटके रहेंगे हमेशा तो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को कहाँ लाया, यहाँ. और फिर दुनिया के हिसाब से अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो डे बाय डे क्या होती जा रही है, और नीचे. दिया जलाया तो दिया क्यों जलाते थे, दिवाली आई थी दिया जलाते हैं, अभी लैंप जलाया क्यों जलाते, दिया क्यों जलाते, दिया क्यों जलाते हैं, दिया क्यों जलाते हैं. दिया जलाया, दिया जलाना और दिया जगता रहे तो शुभ है. अगर दिया बुझ जाता है तो अशुभ माना जाता है. मतलब क्या, दिया दिया मतलब दिया, दिया मतलब दिया. और अगर जीवन में दिया रहेंगे ना तब जीवन शुभ है. अगर जीवन में लिया मोड में चले गए तो मतलब दिया बुझ गया, देना बंद हो गया, अभी लिया 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 लिया. तो दिया इसलिए जलाना है. और अगर दिया बुझने लगता है तो उसमें जल्दी से ज्ञान का घी डालना है ताकि दिया बुझना नहीं चाहिए. मतलब जीवन में देना बंद नहीं होना चाहिए, आज तो लेना 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 छीनना. तो दिया बुझ गया, दिया बुझ गया, जीवन में अंधेरा. अब आज जब जाएंगे यहाँ से तो किसी से भी कुछ चाहिए नहीं. क्या क्या चाहिए होता है हमें लोगों से, अप्रूवल हो गया, अप्रिसिएशन, और क्या चाहिए, प्यार चाहिए, और क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और क्या चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, और क्या चाहिए, लव चाहिए, और क्या चाहिए, आप मेरा कहना मानो ये मुझे चाहिए. यस, ये है दिया का ऑपोजिट. क्योंकि अगर ये मुझे नहीं मिला तो मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब होती है, तो फिर मेरे मन की स्थिति दिन में कई बार डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि मैं लिया मोड में शिफ्टेड हूँ. अब उसको चेंज करते हैं. एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट को एक्सपेक्टेशंस होना नॉर्मल है, राइट? एक्सपेक्टेशंस होना नॉर्मल है, राइट? एक्सपेक्टेशंस होना नॉर्मल है, राइट? मुझे थोड़े दिन पहले एक बहन आई प्रोग्राम में पीछे, कहते हैं आपका टीवी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं रोज़ देखती हूँ. आई सेड गुड, लेकिन सिस्टर वी आर ह्यूमन बींग्स. आई सेड यस आई नो दैट. शी सेड तो एक्सपेक्टेशन तो नॉर्मल है ना, ह्यूमन बींग है तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है. एक्सपेक्टेशन होना मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन आई एक्सपेक्ट दिस, मतलब आई एक्सपेक्ट यू टू बी माय वे, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है. आई एक्सपेक्ट यू टू बी माय वे, नॉर्मल है.
Let's check the programming and then see if my program is right. Expectation means I expect you to be my way, the way I think is right. Second part of the programming, when you are that way, I will be happy. Correct. Third part of the programming, if you are not that way, then I will get hurt. Correct? Correct. And fourth, who is the cause of my pain? तो फिर दुखी होना तो नॉर्मली हो जाएगा ना फिर हो जाएगा या नहीं होगा यस यस आप में से किस किस ने अवेकनिंग देखा है और आप किस किस ने सेंटर पर भी बहनों को मिले हैं आपको पता है हम सब हमेशा वाइट पहनते हैं पता है मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था आप लोग भी सब आज वाइट पहन कर आओगे या And I'm very hurt. And आपने तो black पहना पूरा. I'm very very hurt. आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते थे ना. बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसा. मैं आपके लिए all the way दिल्ली से आई. आप मेरे लिए एक white dress भी नहीं पहन सकते थे. This is how we talk in relationships. मेरा ये एक्सपेक्ट करना कि आप सब वाइट पहन कर आए नॉर्मल है ना नॉर्मल नहीं है इतना छोटा भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँ मैं ये तो कुछ ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट किया अभी छोटा सा एक्सपेक्टेशन भाई साहब नॉर्मल है See the programming. I like white. I feel white is right. Lekin galti kya ki? I expect everyone to be my way. Right? Jaise hi maine ye kaha apne aap ko ki mere liye jab aaye hain sare program mein yahan to sabko white pehen kar aana chahiye tha. Ye meri expectation hai. एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने में कुछ नहीं है कुछ भी एक्सपेक्ट कर लो तो व्हाट इज रॉन्ग इन एक्सपेक्टिंग कि आप वाइट पेन कराते हैं बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्राम में मेरे को वाइट पेन कर मिलते हैं एंड जो वाइट पेन कर आते हैं ना वो लोग ही मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं राइट है उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया है आप देखो हम सारा दिन ये कर रहे हैं कि दोज हु मीट माय एक्सपेक्टेशंस दे आर द वंस हु लव मी एंड रिस्पेक्ट मी एंड दोज हु डोंट मीट माय एक्सपेक्टेशंस वी से यू डोंट लव मी आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते थे कितनी सारी प्रोग्रामिंग में है ना वैसे आपने वाइट क्यों नहीं पहना लेट अस अंडरस्टैंड पीपल ना कि लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं मीट कर पाते लेट अस अंडरस्टैंड क्यों नहीं पहना वेरी गुड सिंपल मुझे आपकी एक्सपेक्टेशन पता ही नहीं थी तो एक मेजॉरिटी लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस इसलिए नहीं मीट करेंगे क्योंकि उनको हमारी एक्सपेक्टेशन पता ही नहीं होती वन आपने क्यों नहीं पहना वेरी गुड हम सैटरडे को ब्लैक पहनते हैं ये किसका बिलीफ सिस्टम है ये उनका बिलीफ सिस्टम है हाँ इज शी राइट यस बिकॉज दैट इज हर वे ऑफ लिविंग सिंपल लेकिन मैंने एक्सपेक्टेशन रखी और मैंने एक्सपेक्ट किया कि सब लोग मेरे बिलीफ सिस्टम से चलेंगे अब क्या हुआ हर्ट भी हुई लेट डाउन भी फील किया डिसरिस्पेक्टेड भी फील किया तो खुद भी दुखी और सबको वाइब्रेशन कौन सा दिया
आप गलत हो, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, आप मुझसे प्यार नहीं करते. और फिर मैं अपने आप को बोलती गई, इतना भी नहीं कर सकते थे मेरे लिए, इतना भी नहीं कर सकते थे, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी जीवन बीत गई है इनके लिए, इतना करते करते करते, और ये मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते थे. दिस इज हाउ वी आर लिविंग लाइफ. एनी अदर रीजन कि आपने वाइट नहीं पहना? योर चॉइस टू वेयर पर्पल. आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते थे? दिस इज हाउ वी स्टैंड. यू सी हाउ वी स्टैंड लाइक दिस. माई एक्सपेक्टेशन दैट एवरीबडी शुड हैव वन वाइट इज राइट. जस्ट टेल मी, इज माई एक्सपेक्टेशन राइट? आज आप घर जाना, आज ही करेंगे. हाँ, ये आज घर जाएंगे और अपने पेपर पेन पे या अपने फ़ोन के नोटपैड पे पांच एक्सपेक्टेशंस लिखना जो आपको अपने आसपास के लोगों से है, और वो देखना वो सारी एक्सपेक्टेशन ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बड़ी होंगी. देख लेना, ये बहुत छोटी एक्सपेक्टेशन थी, ये बहुत छोटी वाली थी, लेकिन आप अब याद रखना चाहते कि आपने मेरी छोटी सी एक्सपेक्टेशन को भी रॉन्ग बोला है अभी यहाँ पर. तो वो जो पाँच आप लिखेंगे, That is exactly what we're trying to say. Expectation always disappoints. It's simple, no? It will disappoint. It will. क्योंकि जब हम expect, अब ये सिर्फ कपड़ों में नहीं है. We want people to be our way. Expectation किस नजरिए से होती है? जो मेरा संस्कार होगा, जो मुझे सही लगता है. सामने वाले ने जीवन कैसे जीना है? उनकी चॉइस, उनको जो सही लगता है, उनका जो पर्सपेक्टिव है. अब एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है या लोगों की अलग अलग चॉइसेस और संस्कार को एक्सेप्ट करना नॉर्मल है? ओके, वी मेक इट वेरी सिंपल. मेरा ये एक्सपेक्ट करना कि आप सब वाइट पहनकर आएंगे, ये नॉर्मल है. कि मेरा ये एक्सेप्ट करना कि आप सबको जो जो रंग पसंद आता है और जो सुबह सुबह ड्रेस प्रेस करके सामने पड़ी हुई थी वो आप पहनकर आएंगे, विच मीन्स चॉइसेस डिफरेंट, पर्सपेक्टिव डिफरेंट, कैपेसिटी डिफरेंट, संस्कार डिफरेंट, कंफर्ट लेवल डिफरेंट. तो मेरा ये एक्सपेक्ट करना दैट यू शुड बी माई वे, ये नॉर्मल है, या मेरा एक्सेप्ट करना कि यू शुड बी द वे विच इज राइट फॉर यू, ये नॉर्मल है? लाइफ विल बी अ सेलिब्रेशन फ्रॉम टुडे. लाइफ विल बी अ सेलिब्रेशन फ्रॉम टुडे. अब घर जाकर एक्सपेक्टेशन रखी तो ऐसे खड़े हैं, एक्सेप्टेंस रखी तो दिया जल गया, एंड विच मीन्स आई रेडिएट हैप्पीनेस, लव एंड ब्लेसिंग्स इवन इफ यू आर नॉट माई वे. नहीं तो व्हेन पीपल आर माई वे हम कहते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये मेरा कहना हमेशा मानता है. लेकिन जब से इसकी शादी हो गई है ना, अब मेरा बेटा मेरा राय नहीं है, क्योंकि अब वो उसका कहना मानता है. तो हमने सोचा जो मेरा कहना मानता है वो मेरा है. नॉट ट्रू. एक्चुअली वो बेटा ना मेरा मान रहा होता है ना उसका मान रहा होता है. वो कर रहा होता है जो उसको सही लगता है, लेकिन उसमें से 50% टाइम मेरे साथ मैच हो जाता है, 50% टाइम उधर मैच हो जाता है. जब मेरे साथ मैच होता है, बहू कहती है तो अपनी माँ बाप की सुनता है सिर्फ. जब उनके साथ मैच हो जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं ये तो जब से वो आई है ये इसकी सुनता है. एक्चुअली वो अपने मन की सुन रहा होता है. हम ऐसे ही अपना रिश्ता बिगाड़ लेते हैं एक दूसरे से. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. उसको तो जो सही लग रहा है वो कर रहा है. हम सिर्फ चेक करते रहते हैं कि वो मेरे सही के साथ मैच किया या उसके सही के साथ मैच किया. दिस इज हाउ वी मेक सिंपल थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड.
हाँ जी Naturally, no? So you are complicating relationships, no? Why? आप मुख से कुछ नहीं बोलेंगे एक दूसरे को लेकिन अंदर से क्या भेज रहे हैं एक दूसरे को रिश्ते यहाँ बन रहे हैं रिश्ते ये बोलने से नहीं बन रहे ये मेरी बेटी है ये मेरी बेटी है ये मेरी ये बोलना नहीं पड़ता इतनी बाहर बोलने से नहीं बनता है कोई रिश्ता अंदर से हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं अंदर से हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कितनी भेज रहे हैं इवन इफ दे आर नॉट माय वे हम लोगों को राय दे सकते हैं हम लोगों को ये भी बता सकते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है इट्स फाइन लेकिन लोग इमिजिएटली उसको इम्प्लीमेंट कर पाए एक उनके पास आज वो संस्कार नहीं है इसलिए नहीं कर पाएंगे दूसरा उनको वो सही नहीं लगता इसलिए नहीं कर पाएंगे अब हमें चूज करना है कि क्या मुझे उनको एक्सेप्ट करना है या मुझे अंदर दुखी होते रहना है मेरी भी खुशी गई उनको मेरी तरफ से नेगेटिव मिला उनकी तरफ से मुझे मिला रिश्ते मेरे क्या होते गए एक्सपेक्टेशन इज नेचुरल एक्सपेक्टेशन इज नेचुरल ना लोगों से एक्सपेक्टेशन रखो और ना सारा दिन लोगों के एक्सपेक्टेशन पूरी करने की कोशिश करते रहो कैसे पूरी कर सकते हैं सारा दिन उनकी एक्सपेक्टेशन किस नज़रिए से होगी वो उनके नज़रिए से होगी विच डज नॉट मीन कि किसी की केयर नहीं करो इट जस्ट मीन्स के अंदर स्टेबल रह के खुश रहकर आप अपना जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करो अगर आपने बाहर से करने की कोशिश की लेकिन अंदर से अच्छी वाइब्रेशन नहीं दी तो रिश्ता नहीं हो सकता बिकॉज रिश्ता इज अबाउट व्हाट थॉट्स वी आर क्रिएटिंग फॉर ईच अदर मैं अंदर से ना खुश होकर आपके लिए करने की कोशिश करूँ तो वो रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता आज से एक डेफिनेशन फाइनल करते हैं एक्सपेक्टेशन इज अबनॉर्मल ये सोचना कि लोग मेरे अनुसार होंगे ये सोच ही लाइफस्टाइल चेंज हो गया एंड एक्सेप्टिंग पीपल इज नॉर्मल व्हाई क्योंकि हर सोल हैज बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी इतनी लंबी जर्नी पे एक कॉस्ट्यूम दूसरा कॉस्ट्यूम तीसरा कॉस्ट्यूम अलग अलग परिवार अलग अलग वातावरण अलग अलग संस्कार तो कोई भी दो लोगों के संस्कार एक दूसरे जैसे नहीं हो सकते वेरी गुड वो अपने लिए वो मेरे लिए जब हम एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर ये थॉट ही नहीं आएगी कि उनकी ड्रेस अच्छी नहीं है इम्पोर्टेंट ये है थॉट नहीं क्रिएट करना इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बोलना नहीं है राइट दैट वॉज फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव कि अगर मैंने बोला आपको हर्ट नहीं होना है मेरे पर्सपेक्टिव से क्या है उनकी ड्रेस उनकी चॉइस इट इज राइट फॉर हर इट मे नॉट बी राइट फॉर मी सो आई कॉल हर डिफरेंट फ्रॉम मी आई डोंट कॉल हर रॉन्ग एंड इट्स नॉट अबाउट द ड्रेस इट्स अबाउट संस्कार्स जिसका संस्कार हमारे से अलग हो उसको हमें अलग कहना चाहिए गलत नहीं कहना चाहिए क्योंकि जब हम उसको गलत कहते हैं हम कौन सी वाइब्रेशन दे देंगे सी वेरी डिफरेंट शी इज वेयरिंग फुल ब्लैक आई एम वेयरिंग फुल वाइट यू चोज सच अ नाइस प्लेस टू सिट राइट नेक्स्ट टू मी थैंक यू एंड योर ड्रेस इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड आई एम सेइंग इट फ्रॉम माई माइंड नॉट फ्रॉम माई वर्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट फुल ब्लैक फुल वाइट एक है
इकट्ठे रहें और रोज़ एक दूसरे को ये थॉट दें, कैसे 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 है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत. लेकिन रहना तो एक दूसरे के साथ ही है ना. लेकिन एक है, इनको वाइट पसंद है, ये वाइट पहने, मुझे ब्लैक पसंद है, मैं ब्लैक पहनूं, हम इकट्ठे रहेंगे. विच डज नॉट मीन मैं ब्लैक पहनना शुरू कर दूंगी या वो वाइट पहनना शुरू कर देंगे. नो नो, इट जस्ट मीन्स टू संस्कार्स कैन बी टुगेदर, लिव टुगेदर, बी डिफरेंट एंड नॉट कॉल ईच अदर रॉन्ग. तो अलग होते हुए भी फाउंडेशन में क्या होगा, फाउंडेशन में क्या होगा, रिस्पेक्ट. क्योंकि मैंने उनको ये नहीं क्रिएट किया, ये गलत है. जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की ये गलत है, वहाँ से थॉट आनी है आपकी गलत है ड्रेस. एंड जब ये होगा, हम ऊपर से कितने भी प्यार से बात करें, हम कितने भी महंगे महंगे गिफ्ट एक दूसरे को दे दें, हम अंदर से क्या दे रहे हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं. रिश्ता हो गया फ्रजाइल, फ्रजाइल, डेलिकेट. क्योंकि फाउंडेशन में क्या है, फाउंडेशन में क्या है. अब अपने आप को देखो, अपने रिश्तों के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ. एक आत्मा दूसरे घर से आई, सिर्फ पास्ट की जर्नी नहीं, उसकी तो प्रेजेंट की भी पहले 25 साल अलग थे हमारे से. और जब भी हमारे को उसके अंदर कोई संस्कार दिखा जो हमारे से अलग था, हमने कहा ये गलत है. कहा मतलब सोचा, ऊपर से तो बोला मेरी बेटी है, लेकिन अंदर से थॉट क्रिएट किया ये गलत है, गलत है, गलत है. एक तरफ से जब एनर्जी जानी शुरू हुई, दूसरी तरफ से यही एनर्जी आनी है, ये गलत है. अब वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, क्योंकि फाउंडेशन में रिजेक्शन है. मेरे से अलग है, हो सकता है मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है. इट डज नॉट मीन हम उसको इंस्पायर नहीं कर सकते संस्कार चेंज करने के लिए, बट इट जस्ट मीन्स उसके अभी के एग्जिस्टिंग संस्कार को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. मतलब भी क्या एक्सेप्ट करेंगे, मतलब अपने मन की स्थिति में उनके प्रति जजमेंटल और क्रिटिकल थॉट्स नहीं क्रिएट करेंगे. हो सकता है, सिंपल एग्जांपल, इफ आई रेडिएट वाइब्रेशंस फॉर हर, गलत है, क्या कलर पहना है, क्या ही, अंदर से, ऊपर से नहीं. एंड शी ऑल्सो रेडिएट्स टू मी, क्या पहना है, कितना बोरिंग है, कोई कलर ही नहीं है, वाइट भी कोई पहनता है क्या पूरा दिन, और कौन संभाले इतना मेहनत वाइट को पूरा दिन संभाल. रिजेक्शन, 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 रिजेक्ट. फाउंडेशन में थॉट्स के अंदर रिजेक्शन. अब हम दोनों में से अगर किसी ने एक दूसरे को राय दी ना, तो क्या होगा, अगर राय दी, मुझे लगता है कि आपको ना वाइट पहनना चाहिए, मेरा लाइन कंप्लीट भी नहीं होगा. एवर एक्सपीरियंस दिस? आप बहुत प्यार से जाके राय दीजिए, बहुत ही प्यार से, सॉफ्टली, आपकी लाइन कंप्लीट भी नहीं होगी, वहां से एक पेज सुनाई देगा. होता है ऐसा? ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत दिनों से energies were going, words were not spoken. तो सामने वाले को vibration बहुत दिनों से मिल चुकी है, जो vibration rejection की थी. Means I'm rejecting you for the way you are. उसके बाद आप कितने भी प्यार से बोलो, वहाँ से rejection आएगा. फिर हम कहेंगे क्या किया, क्या मैंने, हाँ क्या किया मैंने जिसके लिए इतना सुना गया आज को मुझे सुबह सुबह. एक लाइन ही तो, वो भी इतने प्यार से बोली, क्योंकि ये तो हम चेक ही नहीं कर रहे कि इतने दिन से मैंने अंदर से क्या भेजा था, तो ये चेकिंग ही नहीं है. चेकिंग क्या हो रही है, मैंने कितने प्यार से बात की, ये कोई नहीं चेक कर रहा मैं इतने दिन से कितना नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके भेज रही थी. इसका ऑपोजिट, शी लाइक्स ब्लैक, वेरी गुड फॉर हर, वेरी गुड फॉर हर. आज बचपन से पहना होगा, उसका फेवरेट कलर होगा, वो उसी में कंफर्टेबल होगी. आई एम नॉट गोइंग टू वेयर, बट इट्स फाइन फॉर हर.
कौन सी एनर्जी गई? रिस्पेक्ट. तो उन्होंने वहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट करनी है. इनके यहाँ पे ये वाइट पहनते हैं तो ये भी इसलिए वाइट पहनते होंगे. मुश्किल बड़ा है बट ये संभाल लेते होंगे, इनकी चॉइस है. वाइब्रेशन कौन सी गई? रिस्पेक्ट. अब इतने दिन जब रिस्पेक्ट जा रही है ना, अब अगर मैंने उनको एक दिन कहा आप एक बार वाइट पहनकर देखो, व्हाट विल हैपन? श्योर डे वांट टू वेयर इट, गो एंड ट्राई इट एट होम, एवरीबॉडी विल लिसन टू यू. ये जो हम सारा दिन कह रहे हैं ना, बच्चे कहना नहीं मानते, ये कहना नहीं मानता, वो कहना नहीं मानता, क्यों नहीं मान रहा है? क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि हम इतना ज़्यादा सोच सोच के फिर बोलते हैं. उनको दुआएं देते जाओ, रोज़ उनके लिए मेडिटेशन करो, परमात्मा से शक्ति लेकर भेजो भेजो भेजो, फिर कहना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे. इट इज़ हियर. रिस्पेक्ट द सोल. यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट पीपल एंड देन गिव एडवाइस. आपकी अच्छी से अच्छी एडवाइस मानी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के साथ नहीं आई है. वो बहुत दिनों से मन में चलती हुई नेगेटिव, वो नेगेटिव कुड बी वरी. नेगेटिव डज नॉट मीन हेट्रेड, नेगेटिव कुड बी वरी. आपको अपने बच्चे की चिंता है तो आप नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका. ये नेगेटिव है, which means ये जो अभी जैसा है ये ठीक नहीं है. वो आत्मा अपना भाग्य लेकर आई है अपने साथ, लेकर आई है. हमें ये नहीं पता कल क्या होने वाला है. हम ये सोचते हैं 10 साल बाद इसका क्या होगा. स्क्रिप्ट तो जीवन की 1 मिनट में बदल जाती है. इम्पोर्टेंट ये है हम खुद पावरफुल रहें और उनको इतनी अच्छी वाइब्रेशन भेजें कि वो इतने पावरफुल रहें कि उनके जीवन में कोई भी सीन आ जाए उसकी फेस करने की उनके पास ताकत है. हम उनके जीवन में आने वाली सीन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको इतना पावरफुल बना सकते हैं कि वो हर सीन को क्रॉस कर लें. लेकिन वरी कर करके कर करके कर करके अपनी भी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, उनकी बैटरी को भी डिस्चार्ज करते हैं, और इतनी ताकत भी नहीं बचती कि वो जीवन की एक छोटी सी परिस्थिति को फेस कर लें. फिर डिप्रेशन बढ़ता है, दूरियां बढ़ती हैं, इकट्ठे रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम प्यार के नाम पर ही नेगेटिव एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरे के साथ. आई लव यू नो सो आई वरी. इफ़ यू लव समवन प्लीज़ नेवर वरी फॉर देम. Never worry for them because you are disempowering them by worrying for them. Care is different, worry is different. Hai farak? Worry karna to, chinta karna to normal hai. Aur agar aap chinta nahi karenge to aapke aas paas ke log kahenge kaisi maa hai, chinta bhi nahi karti hai. और फिर आप कहेंगे लोग कह रहे हैं मैं चिंता नहीं करती, तो चिंता करना शुरू कर दो फिर. दिस इज इट. एंड तब मैंने अपना प्यार ब्लॉक कर दिया और चिंता रेडिएट करनी शुरू कर दी, क्योंकि जब मैं पॉजिटिव थी, स्टेबल थी, तो लोग कह रहे थे कि मैं प्यार नहीं करती क्योंकि मैं चिंता नहीं कर रही. वी हैव टू क्रिएट आवर डेफिनेशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. चिंता नॉर्मल है? चिंता नॉर्मल है? नेचुरल है. मतलब अगर मेरा बच्चा घर टाइम पे नहीं आया, फोन भी नहीं लग रहा, तो ये थॉट क्रिएट करना कहीं अटक गया होगा, कुछ हो गया होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, भाग गया होगा, फंस गया होगा, ये तो नॉर्मल है. ये कैसे हम सोच सकते हैं कोई बात नहीं, कहीं होगा, आ जाएगा. इतनी अच्छी थॉट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इज दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? दुआएं भेजें. फंसा भी होगा ना, आपकी दुआएं उसको ठीक कर देंगी. और ठीक भी होगा ना, तो इतनी सारी जो नेगेटिव एनर्जी यहां से भेजेंगे वही जीवन में कोई विघ्न ले आएगी. How can we call it normal to sit and create so much negative energy? ये normal कैसे हो सकता है? बड़े से बड़ा विघ्न भी आया हो जीवन में तो क्या भेजने की जरूरत है? आप घर में बैठो, आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे,
फोन नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, आप एक चीज भेजो सिर्फ अपने घर में बैठकर, वो जो है, जहां है, जिसके साथ है, परमात्मा की शक्ति उसका कवच है, वो थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगा. सिट बैक. डू नॉट रेडिएट अ सिंगल नेगेटिव थॉट. आपके नेगेटिव थॉट क्रिएट करने से सबसे पहले तो डेफिनेशन तो पहले चेंज कर लेना. आज अभी अग्री हो गया, वो ठीक है, उतना काम आज हो गया तो वो बहुत बड़ी बात है. डेफिनेशन चेंज. वरी इज नॉर्मल? नो. केयर इज नॉर्मल. एक्सपेक्टेशन इज नॉर्मल? नो. एक्सेप्टेंस इज, लोग क्या कहेंगे, अप्रूवल इज नॉर्मल? नो. मेरे लिए सही क्या है जिसमें मेरी शक्ति बढ़ती है, मेरी परिवार की शक्ति बढ़ती है, वो नॉर्मल. लास्ट 5 मिनट्स करेंगे कैसे ये? अच्छा सोचे कैसे? सी वी आर हियर टुगेदर टू आस्क आवरसेल्फ, अच्छा सोचे कैसे? कैसे सोचेंगे? नेगेटिव कैसे सोचते हैं? नेगेटिव कैसे सोचते हैं? बिकॉज फॉर मी, आई एम टेलिंग यू, इट्स हैबिट. लेकिन अब अगर कुछ हुआ, आई विल हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप कैसे सोच पा रहे हैं ये इस तरह से, मेरे से तो नहीं हो रहा. फिर आप मुझे देखेंगे, कहेंगे इसका मतलब आप परिवार से प्यार ही नहीं करते इसलिए आप सोच नहीं रहे. इट्स ओनली अ वे ऑफ लिविंग. इस तरह से बहुत समय से चल रहे थे, आसपास की हवा में भी वही वाली थॉट्स हैं. यू बी लिविंग इन दिस वर्ल्ड जहाँ ये थिंकिंग नॉर्मल हो गई है. हमने शुरू किया पहनना खाना पीना क्या नॉर्मल है, बट एक्चुअली इट्स अबाउट थिंकिंग क्या नॉर्मल है. लेकिन पहले अपने आप के पहनने खाने पीने के तरीके को अपनी चॉइस का करेंगे ना, तो विल पावर क्या होगी, बढ़ेगी. उस विल पावर को फिर यूज करना कि सोचने का कौन सा तरीका सही है. जिस तरह नेगेटिव सोचना इजी हो गया है, क्यों इजी हो गया? थॉट्स का सोर्स क्या है? सोच किस आधार से चलती है, उसका सोर्स क्या है? क्योंकि मुझे थॉट को चेंज करना है अपनी, तो मुझे किस चीज़ को करना पड़ेगा चेंज? सोर्स को चेंज करना पड़ेगा. अगर मेरे शरीर की हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब एनर्जी ऑफ द बॉडी ठीक नहीं है, तो मुझे अपनी डाइट को चेक करना पड़ेगा. तो डॉक्टर कहेगा ये है, ये कम करो, ये बढ़ाओ, ऐसा है, ये कम करो, ये बढ़ाओ, करते जाएंगे शरीर की एनर्जी बदल जाएगी. सोच का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ माय थॉट्स? माइंड इज द क्रिएटर ऑफ माय थॉट्स. बॉडी इज द क्रिएटर ऑफ माय फिजिकल एनर्जी. व्हाट इज द सोर्स? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन जो देंगे उससे शरीर बन रहा है. मन की सोच किस आधार से बन रहा है? सारा दिन में जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भर गया, उसी क्वालिटी की सोच चलेगी. पिछले 20 ईयर्स में आप देखें, नेगेटिव थिंकिंग इजी हो गया है. नेगेटिव सोचने की मेहनत करनी नहीं पड़ती. इतना नेगेटिव सोच पाते हैं कि खुद ही हैरान हो जाते हैं, मैंने ऐसा कैसे सोचा किसी के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. जब आप और मैं स्कूल में थे, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? चेक करते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कितना हुआ है पिछले 20 साल के अंदर. आप और मैं स्कूल में थे, मीडिया के नाम पे क्या था हमारे पास? अब दूरदर्शन को ऑन करो इस टाइम अपने मन के स्क्रीन पर, और आप उसमें देखो न्यूज़ की क्वालिटी क्या थी, सीरियल्स की क्वालिटी क्या थी, दिख रहा है? गाने कैसे थे? अब वो इन्फॉर्मेशन हम लेते जा रहे थे, हमारी सोच कैसी थी, और वो भी कितनी देर? दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, कितनी देर टीवी आता था? इंटरनेट तो हमारे पास
था ही नहीं फ़ोन पे बात करने के लिए, तो हम पड़ोसियों के घर जाते थे, वो भी सिर्फ जब इमरजेंसी कॉल होता था. वी वर प्रोटेक्टेड, हम प्रोटेक्टेड थे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी नहीं. अगर किसी शहर में किसी बच्चे के साथ कुछ होता था, हमें पता ही नहीं चलता था, हमें पता ही नहीं चलता था. क्योंकि हमें पता नहीं चलता था, हमारे चित पर वो बात आती नहीं थी, वाइब्रेशन में वो बात फैलती नहीं थी. तो क्योंकि वाइब्रेशन में वो बात फैलती नहीं थी, वो इंसिडेंट बढ़ते नहीं थे. अब क्या हुआ, दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो जाए, किसी और प्लैनेट पे कुछ हो जाए, within 10 seconds it is on every phone and laptop. information. ab information se hua kya, jitni information aayi utne chit par baithi, jitne chit par baithi utni vibration mein phail gaya, jitni vibration mein phail gaya utne incidents badh gaye, जितने इंसिडेंट्स बढ़ गए उतनी इन्फॉर्मेशन आई, जितनी इन्फॉर्मेशन आई उतना चित पर बैठ गया, उतने इंसिडेंट्स बढ़ गए. कल सुबह व्हेन आई वाज कमिंग टू बॉम्बे इन द फ्लाइट, आई पिक्ड अप द न्यूज़पेपर, फर्स्ट पेज क्राइम रेट ऑफ द कंट्री, उसमें यह लिखा था कि बच्चों के साथ होने वाला अब्यूज़ पिछले एक साल में 82% इंक्रीज हुआ है हमारी कंट्री में. This is yesterday's newspaper. Now think, 1 year में इतना awareness create हुई, इतना parents अपने बच्चों को सिखा रहे हैं. आपको और मुझे, हमारे parents ने ये सब सिखाया नहीं था. किसी ने आपको सिखाया था ये सब? नहीं सिखाया, ये तो बात ही नहीं होती थी कभी भी तब. अब बच्चों को सिखा रहे हैं, स्कूल सिखा रहा है, पेरेंट्स सिखा रहे हैं, बच्चे अवेयर हो चुके हैं, वो अपना ध्यान रख रहे हैं, और फिर क्राइम रेट 82% बढ़ गया एक साल के अंदर. क्यों हुआ ये, क्यों हुआ? किसी एक शहर में एक बच्चे के साथ कुछ हुआ, सबके फ़ोन पर आ गया, सबने पढ़ लिया, सबके चित पर बैठ गया, वाइब्रेशन में फैल गया, औरों के मन पर असर पड़ा, औरों ने वो कर्म करना शुरू कर दिया. अगले साल ये स्टैटिस्टिक्स बढ़ा हुआ होगा. दिस इज गोइंग टू इंक्रीज नेक्स्ट ईयर. इट मल्टीप्लाइज वेरी वेरी फास्ट. क्योंकि पढ़ना मतलब उसका वाइब्रेशन क्रिएट करना. अब अपने आप को बचाना है तो एक ही तरीका, क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, सिर्फ वो ही सुने, देखें, पढ़ें जैसा बनना चाहते हैं. That's all. जब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें लगता है उसके बारे में, क्रिटिसिज्म लिखा है उसके बारे में, मजाक लिखा है उसके बारे में, हमें लगता है हम औरों के बारे में पढ़ रहे हैं. जो हमने पढ़ लिया वो वहाँ नहीं, अब वो यहाँ का हिस्सा बन गया. जो यहाँ का हिस्सा बन गया वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन गया, वाइब्रेशन रेडिएट हो गया, इस दुनिया का हिस्सा बन गया. तो अगर एंगर, अग्रेशन, फियर, टेरर ये सब पढ़ेंगे, सुनेंगे तो वैसा ही बनेंगे. पीस, लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट ये सब सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो वैसा ही बनेंगे. जैसा खाएंगे वैसा बनेंगे. ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में हमने क्या किया? अपने घर में रहते हैं हम सारे, काम करते हैं, परिवार संभालते हैं, सब कुछ जो आप कर रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह एक घंटा पहले हम सेंटर पर आ जाते हैं. आकर क्या किया? सुबह सुबह परमात्मा का ज्ञान भरा. कहाँ तो क्राइम रेट के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ तो सत्युग कैसे बनाना है वो वाला ज्ञान पढ़ते हैं. दोनों कम्प्लीटली ऑपोजिट. लेकिन कलयुग का पढ़ेंगे तो कलयुग वाला चित्त बनेगा, सत्युग का पढ़ेंगे तो सत्युग वाला चित्त बनेगा. सत्युग वाला चित्त बनाएंगे तो दुनिया सत्युग बन जाएगी. चॉइस हमारी है. लेकिन फिर अगर किसी को, आपने सारा दिन में किसी ने आपको कहा, आपको पता है आज वहाँ क्या हुआ,
और आपने कहा नहीं मुझे पता नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं, और वो आपको कहे है तुमको ये भी नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, तो बहुत प्यार से उनको कहना हाँ मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है. आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर माई वर्ल्ड. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वर्ल्ड. आज के हिसाब से इंटेलिजेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड वो है जिसको दुनिया के बारे में पता है. दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन भरने से सिर्फ दुनिया और वैसी बनती जाएगी. पॉसिबल है? डाइट चेंज करना पॉसिबल है? पॉसिबल है? इट्स वेरी सिंपल. अगर हैप्पीनेस प्रायोरिटी है, अगर रिश्ते प्रायोरिटी हैं, तो जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको चेंज कर दें. इवन विद दिस टीवी प्रोग्राम अवेकनिंग, आई मीट सो मेनी पीपल हु हैव क्रिएटेड मिरेकल्स इन देयर लाइफ. दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. कोई कहेगा मेरा डिवोर्स होने वाला था, ठीक हो गया. कोई कहेगा मुझे डिप्रेशन था, वो ठीक हो गया. कोई कहेगा मैं सुसाइड कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, वो ठीक हो गया. ये कैसे मिरेकल क्रिएट किए अपने लाइफ में इतने? 25 मिनट ऑफ मीडिया. पावर ऑफ मीडिया है ये. सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, भरते गए, भरते गए, भरते गए, बनते गए. कुछ करना ही नहीं पड़ा और भरते गए, बनते गए. तो ऐसा भरेंगे तो ऐसा बनेंगे, वो भरेंगे तो वैसा बनेंगे. अगर 25 मिनट्स ऑफ पॉजिटिव मीडिया डिप्रेशन ठीक कर सकता है, तो ऑपोजिट मीडिया डिप्रेशन क्रिएट भी कर सकता है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल. द अदर डे आई मेट अ सिस्टर, शी सेड सिर्फ ये देख देख के सारा दिन कि लोग इधर हॉलिडे पे जा रहे हैं, लोग आज इधर डिनर कर रहे हैं, लोग आज ये कर रहे हैं, मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है कि मेरे जीवन में ये. नो, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. शी सेड आई फील वेरी बैड दैट आई डोंट हैव एनीबडी इन माई लाइफ लाइक दिस, जिसके साथ मैं हॉलिडे पे जा रही हूँ, मैं डिनर कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ. सो वॉट शुड आई डू? आई शुड स्टॉप वॉचिंग वॉट अदर पीपल आर डूइंग. सिंपल, यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ. लेकिन हर क्लिक के बाद अगर दिखता जाएगा और वो लोग वो पोस्ट कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है उनके जीवन में क्या हो रहा है. लाइफ इज नॉट व्हाट इज सीन ऑन सोशल मीडिया. इट इज नॉट. पीपल कैन बी हैविंग अ टेरेबल फाइट इनसाइड एंड सडनली दे विल क्लिक अ ब्यूटीफुल पिक्चर एंड अपलोड. एंड हम उस पिक्चर को देख देख के दुखी हो रहे हैं, ये दोनों कितने खुश हैं, मेरे घर में तो कितने झगड़े चल रहे हैं. एंड उससे हम और दुखी हो जा रहे हैं और अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. Protect yourself. Take care. Media, social media, information, सारी आएगी. हमें choose करना है कि मुझे अपने अंदर क्या भरना है. और जो भरेंगे वैसा हम बनेंगे. So first step, diet. 3 महीने का experiment करके देखें. Diet change of जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं. सेकेंड स्टेप, 3 महीने का एक्सपेरिमेंट, डाइट जो हम खाते हैं पीते हैं. जैसा अन्न वैसा मन. सात्विक मन चाहिए, सात्विक मन चाहिए, तो फिर अन्न भी कैसा होना चाहिए? सात्विक चाहिए. एंगर, टेरर, फियर का खाना खाएंगे, पैसे कमाने के लिए ग्रीड का खाना बना हुआ खाएंगे, तो वो ही इमोशंस हमारे अंदर बढ़ेंगे. परिवार के लिए प्यार से, परमात्मा की याद में शांति से खाना बनाएंगे, सिर्फ 15 मिनट खाना बनाएं भगवान की याद में, पूरे घर का वातावरण चेंज हो जाएगा. इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए. जस्ट कुक फॉर योर फैमिली. Don't say I don't have time, because then you will be spending all that time उनको change करने की कोशिश में जो आप दाल की कड़छी घुमा कर सकते थे.
यू कुड डू इट ओवर देयर, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन. तो अन्न के अंदर अच्छे से वाइब्रेशन डाल दो. जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सब कुछ खाना बनाते समय करो, तो उसमें कौन सी वाइब्रेशन चली जाएगी? शक्ति की, प्योरिटी की, पावर की. घर में सारे खाएंगे, सबका मन ठीक हो जाएगा. और खाने के समय मन की स्थिति कैसी हो? पहले हमें सिखाया जाता था, जैसे खाने की प्लेट सामने आए तो पहले क्या करो? परमात्मा की याद करो. अब हम क्या करते हैं? जैसे खाने की प्लेट सामने आए, कहते रिमोट की तरह टीवी का दिखाना, जरा बदल गई दुनिया. इतनी छोटी छोटी चीजों से जीवन पूरा बदल सकता है, क्योंकि अन्न सामने पड़ा है और वाइब्रेशन कौन सी डाली उस अन्न के अंदर. अब जैसी वाइब्रेशन अन्न में गई, फिर अन्न के साथ मन वैसा बना, हो गया. अब वो चीज टीवी पे नहीं, यहाँ पे चल रही है. 10 minutes ऑफ ईटिंग फूड शुड बी लाइक अ रिचुअल. परमात्मा को याद करके उसकी शक्ति की वाइब्रेशन उसमें डालें, बहुत प्यार से शांति से खाना खाएं. आपस में बैठकर बातें भी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें होनी चाहिए जब खाना खा रहे हैं. Those 10 minutes are not to be discussing any problem. अगर problem खाने के table पर discuss हुई, problem बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सारी problem खाने में चली जाएगी. और फिर वो खाना हमने खाया, वो ही thoughts आएंगी, problem बढ़ जाएगी. ये छोटी छोटी चीज़ें ही meditation lifestyle है. और जब हम center पर आते हैं और इस ज्ञान को स्टडी करते हैं, रोज़ करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो जीवन में ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस आती हैं. छोटी छोटी चेंजेस रिजल्ट बहुत बड़े बड़े हैं, और छोटी छोटी ऑपोजिट कर दिया, रिजल्ट बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं. अब छोटी छोटी चीज़ें की तो आत्मा की ताकत क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है. तो फिर दिया नेचुरल हो जाएगा. जो भरा हुआ होगा वो ही देगा, जो खाली होगा वो मांगता जाएगा. तो इफ़ आई एम फिलिंग माई सेल्फ, उसका सिंपल स्कैन ये है, मेरी एक्सपेक्टेशंस डे बाय डे क्या होती जाएंगी? घटती जाएंगी. मेरा एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता जाएगा. हम कहेंगे अब मुझे डिस्टर्ब नहीं होता, अब ऐसा कुछ कहते हैं मुझे बुरा नहीं लगता, विच मीन्स बैटरी क्या होती गई? चार. वेरी सिंपल है. ये सत्यु कौन लेकर आएगा? हम लेकर आएंगे. कहाँ लेकर आएंगे? अपने चित्त पर लेकर आएंगे, अपने परिवार में लेकर आएंगे, दुनिया में तो अपने आप आ जाएगा. आप में से किस किस ने सेंटर पर आकर मेडिटेशन नहीं सीखा है अभी तक? नहीं सीखा है. 5 दिन 1 घंटा, 5 घंटे टोटल, 5 days, 1 hour एवरी डे, 5 घंटे हैं आपके पास? किस किस के पास 5 घंटे हैं? हैं 5 घंटे अपने पास? तो 5 दिन के लिए 1 घंटा निकालें. कल से हर सेंटर पर, जिस जहाँ जहाँ से आपको इनविटेशन मिला और आपके पास कार्ड पे सेंटर के एड्रेस पे हैं, हर सेंटर पर कल से 5 दिन का मेडिटेशन का प्रोग्राम कोर्स. मॉर्निंग टाइम 8:15 to 9:15, इवनिंग टाइम 7 to 8, दोनों में से कोई भी टाइम चूज कर लें. और अगर ये दोनों टाइम सूट न करें तो सेंटर पर आकर अपने चॉइस का टाइम फिक्स करें. ये 5 दिन सूट न करें तो कोई भी और दिन आकर करें, लेकिन ये समय अपने लिए निकालें. हर घर में एक दिया चाहिए, हर घर में एक दिया चाहिए. बाकी लेते रहेंगे तो भी घर बहुत सुंदर चलेगा, लेकिन एक दिया तो चाहिए ना. लेकिन घर में सारे ऐसे खड़े होंगे तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट है. एक देता जाए, बाकी लेते जाए. हर घर में एक दिया भी होगा ना तो फिर क्या हो जाता है? जब एक दिया होता है, जोत से जोत जगाना, मतलब एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा. एक भरा हुआ होता है, सारे भर जाएंगे घर के. लेकिन अगर एक कहे मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं सबके लिए कर रहा हूँ, तो वो हम वी आर नॉट बीइंग फेयर टू
ourselves. तो ये एक घंटे का समय अपने लिए निकालें. आज का होमवर्क, वन नो एक्सपेक्टेशन नहीं होगा इमिजिएटली. आज घर जाके पांच एक्सपेक्टेशंस अपने लिखें, पांच लिखें, उसको चेक करें, इज दिस बीइंग फेयर, एंड देन शिफ्ट इट टू आई एक्सेप्ट देम एज दे. एक्सेप्टेंस ओनली मीन्स उनका संस्कार मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, ताकि मेरे से उनकी तरफ कोई नेगेटिव थॉट नहीं जाए. इसका मतलब ये नहीं राय नहीं देनी, इसका मतलब ये नहीं है काम नहीं करवाना, इसका मतलब ये नहीं है कि डिसिप्लिन नहीं करना, लेकिन अंदर से रिजेक्शन और डिसरिस्पेक्ट दे के नहीं करना, नहीं तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा. रिस्पेक्ट करके, एक्सेप्ट करके, मीन्स अपनी भी बैटरी भरी रहे, उनकी भी बैटरी भरी रहे, अब राय दें, खुद भी खाली हो जाएं, उनको भी खाली कर दें और फिर राय दें. दोनों में फ़र्क दिखता है. तो एक्सपेक्टेशन की बजाय एक्सेप्टेंस नॉर्मल. दूसरा, वाइब्रेशन चेक करनी है कि जब हम किसी से मिलते हैं हमारा कनेक्शन कहाँ बन रहा, हमारी अटेंशन कहाँ जाती है. और डाइट चेक करनी है कि हम क्या पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, हम क्या खाते हैं, पीते हैं. लेट अस लिव द वे विच इज राइट फॉर. एक थोड़ी पर्सनल चीज़ बोलती हूँ. आजकल हम में से बहुत सारी बहनों ने कुछ चीज़ें ऐसी करनी शुरू कर दी हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है. सिर्फ खाने में नहीं, हमने पीना बहुत कुछ ऐसा शुरू कर दिया है. आप उस शहर में बैठे हैं कि अगर आप यहाँ से डेफिनेशंस चेंज करेंगे पूरा देश कॉपी करेगा. सात्विकता को जीवन में अपनाएं. सात्विकता तन और मन दोनों को सुखी रखती है. आजकल जब हम डॉक्टर्स से बात करते हैं, गायनेक्स, उनके पास यंग एक्सपेक्टिंग मदर्स आती हैं, तो कहते 70%, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली सिटी, बड़े शहरों में 70% मदर्स, एक्सपेक्टिंग मदर्स हैव बीन हैविंग अल्कोहल. अब सोचो आगे की जेनरेशन पे क्या असर होने वाला है इसका. और फिर जब उनको कहा जाता है कि अच्छा अभी कम से कम, तो एक पेशेंट ने बहुत सुंदर मेरे सामने ही डॉक्टर को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर न्यू ईयर पार्टी है, दिस इज वेयर वी आर हेडिंग. और फिर पूरी जीवन बिता देंगे मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, उसकी विल पावर कम क्यों है, वो कहना मानता क्यों नहीं है. खुद की विल पावर तो लोग कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं. मैं नहीं करूंगी तो मेरी फ्रेंड्स करेंगी, बहुत बोरिंग है पार्टी में, मैं फिट नहीं होती. वी नीड टू स्टॉप एंड चेक. अपने आप को ये गिफ्ट दें, अपनी न्यू ईयर पार्टी को सात्विक बनाएं. साल की शुरुआत है, साल की शुरुआत है ना, तामसिकता की अति से साल की शुरुआत कैसे हो सकती है. जैसे सुबह की शुरुआत होती है वैसे साल की भी तो शुरुआत होती है. आज हम ये तरीके ढूंढ रहे हैं और तामसिकता क्या लेकर आए जिससे पार्टी और इंटरेस्टिंग हो जाए. एक अलग तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं इस साल. पार्टी करें, सबको बुलाएं, लेकिन सात्विक पार्टी करें. कर सकते हैं सात्विक पार्टी? सात्विक पार्टी कर सकते हैं? हाँ जी, सात्विक पार्टी कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस. और जो हम करेंगे फिर दूसरे हमें देखकर कॉपी करेंगे, और फिर बहुत जल्दी सिर्फ और सिर्फ सात्विक पार्टीज होंगे. फिर वी हैव टू चूज व्हाट इज राइट फॉर सोल एंड बॉडी एंड पीपल. चल सिट बैक 2 मिनट्स कंफर्टेबल. अपने आप को तैयार करते हैं. आज जब हम बाहर चलेंगे यहाँ से तो बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे, सारे इकट्ठे नहीं उठेंगे.
जिस जिसको कहा जाएगा वो ही उठेंगे। 5 मिनट में पूरा हॉल खाली हो जाएगा। डॉक्टर्स कहते हैं सीढ़ी उतरना और चढ़ना सेहत के लिए फ़ायदे की चीज़ है। अब चढ़ना तो है नहीं, सिर्फ उतरना ही है। तो अगर सुबह सुबह 5 फ्लोर उतर लिए दिन का कोटा ऑफ स्टेप्स पूरा हो जाएगा। तो कौन कौन रेडी है सीढ़ी से नीचे उतर जाने के लिए? फिर तो हमें लिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लिफ्ट ही खाली हो जाएगी सारी। चढ़ के भी आए तो आपको बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक। बट इम्पोर्टेंट है जिसको जैसा कंफर्टेबल हो वो वैसा जाएंगे, लेकिन साइलेंस में जाएंगे, बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे फरिश्तों की तरह। अपने ये वाइब्रेशन घर लेकर जाएंगे और घर तक पहुंचने पहुंचने तक पूरे शहर में भी उसको वाइब्रेट करते हुए जाना कि दिस सिटी इज़ फुल ऑफ लव हैप्पीनेस एंड पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग। तो वो प्रसाद सबको देते जाना, जैसे प्रसाद सबको देते जाते हैं ना रास्ते में, ये प्रसाद होता है कि मेरी एनर्जी सबको 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 पहुंचे, पूरे शहर क्या पूरे विश्व में फैल जाए, सारी दुनिया सतयुग बन जाएगी। सिट बैक स्ट्रेट एंड एक छोटी सी बात, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वेयर टू वन वेयर वाइट एंड कम हा प्लीज। कई बार मुझे बाद में प्रोग्राम के कोई कहता है वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट वेयर वाइट, यू आर अपसेट। आई सेड नो, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, नॉट अपसेट, वी डोंट वांट एनीवन टू वेयर वाइट, शुड ऑलवेज वेयर व्हाट इज राइट फॉर यू, कंफर्टेबल फॉर यू। लेकिन इम्पोर्टेंट है चेकिंग करना कि हम कितनी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन रखते हुए हमें लगता है वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल राइट है, तो चेक। I am a pure divine soul. Meri har thought, word, karam pure hai, clean. Har ek ke prati meri har soch clean. My every thought is a blessing. Sara din har ek ko blessing. Aaj check karein kin kin ko milna hai sara din. Ghar pe, office pe. Check everything. उनको सामने लेकर आए एंड अभी से उनको एक ब्लेसिंग भेजे, I accept you as you are. आप मेरे से डिफरेंट हैं but I accept you as you are. मेरी हर सोच हर बोल फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। This is my lifestyle. I choose my lifestyle. My every choice is my choice. I need nothing from others. मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए।
मुझे सबको देना देना और देना है। मैं दिया हूँ, आज से whatever I read, watch, listen is pure. What I eat, drink is pure. I am a divine soul. I radiate my divinity to everyone around me. I am God's angel, सबको सुख देने वाला फरिश्ता। कल से अपने लिए एक घंटा परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए सुबह सुबह दिन की शुरुआत परमात्मा का ज्ञान भर के इसी साइलेंस में हम घर तक चलेंगे। आज साइलेंस हमारी विल पावर को बढ़ाता है। घर पहुंचने तक हम साइलेंस में चलेंगे।